लॉकडाउन के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली कारपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनों की जानिब से ज़रूरतमंदों में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। ऐसे में कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने रोज़ाना की तरह आज भी अपने हल्के की आवाम में राशन की तकसीम की। कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा में वाक़ रोज़ फंक्शन हॉल में महबूब ब्राइट के ओनर के ताउन से गोलकुंडा के मुख्तलिफ इलाकों की आवाम के दरमियान ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल राशन के पैकेट्स तकसीम किए। लॉकडाउन की वजह से सदर मोहतरम की गुजाइश पर हल्के कारवान को गोलकुंडे के अंदर सारानगर कंचा हो या धानकोटा हो या शिव मंदिर का इलाका हो या साथ सिवन गली हो, इन तमाम इलाका जात के अंदर पिछले 7 दिन से लगातार गोलकुंडे की हर गली के अंदर मेरी जमात के सदर मोहतमदीन हो या जमात के कारपेटर्स हो या जमात के जिम्मेदार हो, ये घरे घर पहुंच कर उनके घरे घर ले जाकर दे रहे हैं राशन को। और आज का जो प्रोग्राम था पिछले आज से 3 दिन पहले भी जो महबूब ब्राइट के ओनर है जनाब हमीद साहब, उनके तमाम ब्रादर की तरफ से गोशा माइल के इलाके में दिया गया था, जिर्रा नेटा जगह हरी दरगाह उस इलाके के अंदर, और उसके अलावा भी आज गोलकुंडे के अंदर इन इलाके जात के अंदर 300 टोकन को दिए गए थे 300 फैमिलीज को। आज 300 फैमिलीज के टोकन को राशन को दिया गया और उसी तरीके से गोलकुंडे के अंदर हर कहीं अपने सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हर इलाके के अंदर गोशा महल हो या कारवान हो या टोली चौकी हो या लंगर हाउस का इलाका हो, जहां पर भी हो हर जगह पर जाकर वहां के हालात को देखते हुए वहां पर राशन को दे रहे हैं। इंशाल्लाह और जगह पर देने की जरूरत है, इंशाल्लाह वो भी 1-2 रोज के अंदर इंशाल्लाह कम्प्लीट किया जाएगा।